अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा हलीम है और मैं हलीमा तो शेख की बेटी हूँ। आज रात को 3:30 बजे मेरे फादर को लाहौर में जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहाँ से कुछ नामालूम अफराद तकरीबन 8-9 के करीब उनको उठा के लेके एक वीगो में लेके गए। मुझे नहीं पता ये अरेस्ट है या किडनैपिंग है, क्योंकि ना कोई वारंट था, ना हमें पता है वो कहाँ है, ना उनके लॉयर्स को पता है वो कहाँ है, ना उनकी फैमिली को पता है वो कहाँ है। मैं आपको इस बात वाजे करती चलूँ कि हलीमा शेख ने ये बात मल्टीपल टाइम्स इंडिकेट की, स्पेशली इस लास्ट वीक में इंडिकेट की कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को लेटर्स भी लिखे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उनको यहाँ तक मालूम हुई हैं कि उनको खुदा न खास्ता कस्टडी में लेके उनकी जान को नुकसान पहुँचाने की प्लान बन चुके हैं। पिछले लास्ट वीक में हमारे घर के हमारी कॉलोनी के अराउंड पुलिस मोबाइलें तकरीबन 20-25 पुलिस मोबाइलें स्टेशन थी जो आने जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही थी, जो हलीम अल शेख साहब के वेयर अबाउट्स को मॉनिटर कर रही थी। इन मोबाइल्स में वो मोबाइल मौजूद थी जो सीएम हाउस की सिक्योरिटी डिटेल्स में होती हैं। इसके साथ साथ सिविलियन कपड़ों में लोग मौजूद थे जिनमें बहुत सौ के बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड्स थे। पीपल्स पार्टी शायद अपने जियाले भेजे हुए थे, गॉड नोज वॉट, बट वॉट आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज कि राइट नाउ हमें नहीं पता कि हलीमा शेख कहाँ हैं, उनको कौन लेके गया है, वो किस हाल में है। 3.5 घंटे से उनका वेयर अबाउट किसी को नहीं पता। अगर इस मुल्क में कोई भी अथॉरिटी ऐसी बच गई है जो लॉ इन्फोर्स कर सकती है, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो मुझे बता सकती है कि मेरे फादर किधर हैं, उनको कौन लेके गया है, वो सेफ हैं अभी, उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं, उनकी लीगल टीम उनसे कैसे मिल सकती है, उनका जुर्म क्या है। और ये पहली दफा नहीं कि हलीमा शेख के ऊपर कोई आज से पहले उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज इन गवर्नमेंट करती रही, क्योंकि वो उनको एक्सपोज करते हैं। आज इस एक मंथ पहले उनके ऊपर कोई टेररिज्म चार्जेस लगा दिए और इंसिडेंट का टाइम वो बताया गया जब वो तो एक लाइव टीवी चैनल में बैठे हुए थे, वो अपना इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है। राइट नाउ तो हमें पता भी नहीं है कि वो कहां गए हैं, किसने उठाया है, किस रीजन से उठाया है, एंड वेयर ही इज राइट नाउ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, इज देयर एनी लॉ, इज देयर एनी वन who's left to see what's happening in this country? Visit kayo Awami Awaz Media Group chi website awamiawaz.pk.